इवनिंग नमस्कार एवरीवन, आई एम संजीव अरोड़ा। मेरा नाम संजीव अरोड़ा है एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ये टोटली इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है और मैं इसके बारे में आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँगा। डियर फ्रेंड, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दूँ, बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, काफ़ी कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद बहुत से लोगों के इंट्रोडक्शन सुने हैं। उन इंट्रोडक्शन में कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिससे आप इन फ्यूचर जब मेरी ये वीडियो देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद उन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना दोहराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के सेशन के बारे में। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर जो ध्यान देने वाली बात है, हमें जब भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है अपने नेम से। ऑलवेज स्टार्ट विद योर नेम। लाइक जो भी आपका नेम है, ए बी सी, आप अपना नाम बता सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने अक्सर लोगों को इंटरव्यू के अंदर ये गलती करते देखा है कि एक तो वो कभी भी अपना, दे नेवर ट्राई टू टेल देयर नेम कंप्लीट, मींस आई वांट टू सेलेक्ट दैट, दे ऑलवेज ट्राई टू टेल देयर नेम इन दैट शॉर्ट। वो हमेशा अपना नाम जो बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों वो शॉर्ट में कोशिश करते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन में कभी भी हमको अपना नाम शॉर्ट में बताना नहीं होता। हमारा जो भी नेम है हमको पूरा कंप्लीट नेम बताना है। जैसे मैं आपको एक डेमो देके दिखाता हूं, मेरे को अपना नाम बताना है तो आई कैन से लाइक दैट, माय नेम इज संजीव अरोड़ा। और दूसरी बात दोस्तों, एक बात को और विशेष ध्यान रखना कि कभी भी अपने नाम से पहले आपको मिस्टर का टाइटल नहीं देना है। कहीं आप गलती से अपने नाम के आगे ये ना कर दें माय नेम इज मिस्टर संजीव अरोड़ा या माय नेम इज मिस्टर रोहित कुमार। एग्जैक्टली आई मस्ट टेल यू, when we are going to take any kind of just interview or like that going to take any kind of introduction, so हमको वहाँ पर अपने नाम के आगे कभी भी subtitle को means title को use नहीं करना है। आपको सीधा अपना नाम बताना है जो भी आपका name है। उसके बाद मैं दोस्तों आ रहा हूँ अपने दूसरे point पर। दूसरा, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ से आप belong करते हैं, आप उस place के बारे में अपनी information देनी है। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ आई लिव इन दिल्ली। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, थोड़ा वोकैब चेंज कर सकता हूँ, आई रिसाइड इन दिल्ली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दोनों को बोल के दिखाता हूँ। जैसे माई नेम इज संजीव अरोड़ा एंड आई रिसाइड इन दिल्ली, ये हो गई मेरी प्लेस इंफॉर्मेशन। नाउ आई वुड लाइक टू एट थर्ड पॉइंट, एजुकेशन। बेसिकली आई मस्ट टेल यू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, सम पीपल कॉल एजुकेशन, सम पीपल से एडुकेशन, बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट। ये जो एजुकेशन है इसको आप एजुकेशन भी बोल सकते हैं और एडुकेशन भी बोल सकते हैं, और इट शुड बी शॉर्ट। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपनी एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन हमेशा आपकी शॉर्ट में ही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये एजुकेशन शॉर्ट में क्यों होनी चाहिए? एजुकेशन शॉर्ट में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके ऑलरेडी रेज्यूमे पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती है, उसमें लिखा होता है। और दूसरी, माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अपनी लास्ट एजुकेशन बताते हैं तो उससे इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि बच्चे ने अपना 10th 12th करके ही यहाँ तक पहुँचा होगा, क्योंकि बिना 10th 12th के तो बच्चा कर नहीं सकता इस एजुकेशन को। सो अब मैं आपको अपनी एजुकेशन बोल के दिखाता हूँ साथ में। जैसे माय नेम इज संजीव अरोड़ा, आई रिसाइड इन दिल्ली एंड आई हैव कंप्लीटेड MBA। नेक्स्ट, एजुकेशन के बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों हम, जॉब एक्सपीरियंस। देखिए मैं मानता हूँ हो सकता है इस वीडियो को बहुत से फ्रेशर लोग भी देख रहे हों और बहुत से एक्सपीरियंस लोग भी देख रहे हों। सो मैं आपको एक एक्सपीरियंस का भी एक डेमो दूंगा और मैं आपको एक एज अ फ्रेशर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा। फिलहाल पहले हम एक्सपीरियंस वाले की बात करते हैं। यदि आप एक्सपीरियंस हैं और किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको डेमो देके दिखाता हूँ फिर से एक। My name is Sanjeev Arora. I reside in Delhi. I have completed MBA in HR. I have been working for 2 years in Airtel. ये मैंने आपको अपना experience भी इसके अंदर add करके दिखा दिया। Fresher का भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसका demo मैं आपको आगे दूंगा। उसके बाद बात करते हैं family details. Family details भी आपका short में होना चाहिए। देखिए family के बारे में बता दूं, हो सकता है आप married हो तो आपको अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर के बारे में बहुत शॉर्ट में बताना है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं आपको कैसे बोलना है, देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, माय नेम इज संजीव अरोड़ा,
I reside in Delhi. I have done MBA in HR. उसके बाद I have been working for 2 years in Airtel. Then if I talk about my family, yeah, if I talk about family, I have wife, क्योंकि I am not single, I am married. I have wife and I have one daughter. And अगर आप wife के बारे में भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, she is a teacher and I have one daughter. Yeah, you can say like that, one daughter. अगर आपके बेटा है so you can say like that, and I have one son. अब देखिए इसको पूरा मैं एक बार फिर बोल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा फ्लो के साथ. माई नेम इज संजीव अरोड़ा, आई रिसाइड इन डेली, आई हैव डन एम बी ए इन एच आर, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years इन एयरटेल. इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, आई हैव वाइफ एंड शी इज अ टीचर एंड वन डॉटर. ये एक मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन है एक एक्सपीरियंस पर्सन का, यानी इसके अंदर मैंने आपको एक्सपीरियंस भी शो किया है. अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, और एक चीज और दोस्तों इसके अंदर मेरी स्लाइड के अंदर मैं बताना चाहूंगा, प्रीवियस स्लाइड के अंदर एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूं, यहां पे मैंने आई हैव डन लिखा है. कुछ लोग इसको आई कंप्लीटेड भी कह देते हैं, आई पास्ट भी कर देते हैं. दोस्तों इसके बारे में एक बहुत छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है हमें, कि जो आपकी लास्ट एजुकेशन है, लास्ट एजुकेशन से मेरा मतलब है यदि आप अपनी एजुकेशन यानी एडुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अभी कोई एजुकेशन नहीं कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई हैव डन. लेकिन अगर आपका एजुकेशन अभी भी कंटिन्यू है, जैसे आप बीएससी कर चुके हैं और अभी आप एमएससी कर रहे हैं, तो आप इसको बोलेंगे आई पास बीएससी एंड नाउडेज आई एम डूइंग एमएससी. इस वे में हम इसको बोलेंगे. लेकिन अगर लास्ट एजुकेशन है देन वी कैन से आई हैव डन एमबीए, आई हैव डन एमएससी. क्योंकि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है अपने करियर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, ही नेवर फॉरगेट्स, अ पर्सन नेवर फॉरगेट्स अबाउट द लास्ट क्वालिफिकेशन. नाउ अब मैं आ रहा हूं अपने एक और स्लाइड के साथ. ये जो इंट्रोडक्शन है दोस्तों, ये फॉर फ्रेशर है. देखिए फ्रेशर में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, फिर से आपको वही चीज करनी है, अपना नाम बताना है जैसे आपके सामने आ गया, माय नेम इज संजीव अरोड़ा, आई रिसाइड इन दिल्ली. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं इसके, रिसेंटली आई कंप्लीटेड बीए, वही जो पॉइंट मैंने अभी बोला, जो मैंने अभी आपको बोला, अगर आपकी एमए चल रही है तो आप कह सकते हैं रिसेंटली आई कंप्लीटेड बीए एंड नाउडेज आई एम डूइंग एमबीए. और अगर आप एमबीए कर चुके हैं तो आपको उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आप सीधा बोलिए आई हैव कंप्लीटेड एमबीए या आई हैव डन एमबीए. लेकिन अगर एमबीए चल रहा है तो यू कैन से लाइक दैट आई एम डूइंग एमबीए फ्रॉम गलगोटिया कॉलेज इन एचआर. उसके बाद आप चाहें तो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर आप फ्रेशर हैं तो छोटी सी चीज और ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आप बात कर सकते हैं माय हॉबीज आर प्लेइंग चेस एंड प्लेइंग क्रिकेट. उसके बाद आप इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहते हैं तो यू कैन से, यू कैन स्पीक इन दैट वे, नाउ आई फील लाइक टेलिंग अबाउट माय फैमिली. अब यहां पर मैंने फैमिली के लिए जो ऐड करा है वो मम्मी पापा को ऐड करा है. अब मैंने एक सिंगल पर्सन का आपको इंट्रोडक्शन देके दिखाया है इसके अंदर. नाउ आई फील लाइक टेलिंग अबाउट माय फैमिली, आई हैव फादर मदर एंड वन यंगर सिस्टर. इस तरीके से मैं अपनी फैमिली के बारे में बता सकता हूं अगर सिंगल हूं, यानी सिंगल से मेरा मतलब है अगर मेरी मैरिज नहीं हुई है. अगर मेरी मैरिज हो गई है तो इससे प्रीवियस वाले में मैंने आपको डेमो देके दिखाया कि उसमें इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे. दोस्तों ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा. कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इस तरीके से यू कैन टेक योर इंट्रोडक्शन. दोस्तों अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है जो मैंने अपनी इस वीडियो में आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है. जैसे मैं फिर भी आपको हिंट दे देता हूं वो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद या इंट्रोडक्शन के दौरान आपसे बहुत सारी बातें और की जाती है, लाइक आपसे वो आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर सकता है, आपसे वो आपकी वीकनेसेस के बारे में बात कर सकता है, आपसे वो आपके शॉर्ट टर्म गोल के बारे में बात कर सकता है, आपसे वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात कर सकता है. और बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने आया था. और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे प्रेजेंट करना है, आपको अपनी वीकनेसेस को कैसे बताना है,
आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल को कैसे डिस्कस करना है, आपको अपने लॉन्ग टर्म को कैसे डिस्कस करना है, आपको इंटरव्यू स्किल्स को अपने कैसे डिवेलप करना है। व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। दोस्तों, इंटरव्यूअर के सामने आपको कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे अपनी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप कभी भी इंटरव्यू के अंदर जाएं तो आपको कभी भी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली यू कैन फेस योर इंटरव्यू। सो आई थिंक इट वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। सून आ रहा हूं मैं फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।